बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी साउथ मानुष पारिक ने किया कस्बा इलाके में फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में एसडीएम मीरगंज देश दीपक सिंह रहे मौजूद, प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच रहे मौजूद, कस्बा प्रभारी विजय पाल सिंह पुलिस बल के साथ रहे मौजूद। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर एसपी साउथ मानुष पारिक ने एसडीएम मीरगंज देश दीपक सिंह के साथ कस्बा इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि एसपी साउथ मानुष पारिक ने मीरगंज थाने में आगामी त्योहार अलविदा और ईद को देखते हुए पीस कमेटी के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें कस्बा इलाके से लेकर देहात तक के सभी वर्गों के लोगों ने भारी संख्या में पीस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद एसपी साउथ मानुष पारिक, एसडीएम मीरगंज देश दीपक सिंह, प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच कस्बा थाना प्रभारी विजय पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ कस्बा इलाके में फ्लैग मार्च करते हुए जनता के मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना जगाने की कोशिश की गई। बरेली से यह खबर हमारे संवाददाता सन्नी गोस्वामी ने कवर की है। त्योहारों को लेकर, ईद को लेकर जो आज यहाँ पे पीस कमेटी मीटिंग की गई है मीरगंज थाने में, सर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं यहाँ के नेता को और यहाँ की जो जनता है उसके लिए? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में आज थाना मीरगंज के पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम साहब के साथ साथ एसएचओ और जो कस्बे और आसपास के गाँवों के तमाम लोग, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के जो धर्मगुरु हैं वो सभी उपस्थित थे। और निर्देश मेनली यही दिए गए कि जो भी परंपरागत रूप से होती आई जो चीज़ें हैं वो परंपरागत रूप से नई परंपरा न पड़े, और इसी के साथ साथ सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले जितने भी त्यौहार हैं वो मनाए। सर आने वाले दिनों में अगर त्यौहार पर कोई भी कुछ घटना होती है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन की तरफ? पुलिस प्रशासन का सभी की सतर्क दृष्टि है, और यदि कोई भी ऐसी कोई घटना या कोई विवाद सामने आए तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई। सर साउथ सर्किल में अब तक कहाँ कहाँ निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं अब तक किस किस सर्कल में? ये सभी सर्कलों में निर्देश दिए गए हैं, सभी सर्कलों में भ्रमण किया गया है सर्कल में, और यही निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले जितने भी त्यौहार हैं, रामनवमी आने वाली है, नवरात्रे हैं, अम्बेडकर जयंती है, गुलफित्र है, ये सभी त्यौहार सौहार्दपूर्ण और शांति तरीके से हो, और इसी के लिए पुलिस प्रशासन इसके लिए सभी निकालते फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।